तो भाई साहब अभी आ गया अपना पिज्जा। तो भाई साहब ये है पर्ची, ऊपर चढ़ने का मतलब समझ सकते हो, तो पास कह सकते हैं इसको। खतरनाक गाड़ी थोड़ा रास्ते देने में, और हम लोग चल रहे हैं इसी रास्ते से। और ये देखिए भाई साहब, ये देखो भाई अपन लोग जादू बन गए हैं पूरी तरीके से, ऑल फैमिली जादू बन चुके हैं। रात के 2 बज रहे भाई, प्रेम से बोलो। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त अतुल पटेल और आप देख रहे हैं अतुल पटेल व्लॉग। एपिसोड नंबर 2 है ये। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कटरा से पूरा वैष्णो देवी का ऊपर तक का चढ़ाई वाला पूरा रास्ता का व्यू, पूरा क्या कुछ होता है हम लोग के साथ और क्या कुछ होता है। फिलहाल तो अभी होटल के छत पे है, अभी नहाना वाना सब बाकी है, उसके बाद भाई साहब इस व्यू पे चलने वाले हैं। ये देखिए भाई साहब सामने का व्यू, ओह तगड़ा। ये होटल के छत से व्यू आ रहा है और यहीं पे भी हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं। इस पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता के थ्रू अभी ट्रैकिंग होने वाला है हम लोग का। ये देखिए ज़बरदस्त। तो बस माता की कृपा बना रहे यही कहेंगे, और आप लोग के ऊपर भी बना रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। आ रहे थोड़ा नहा धोवा के, तब मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब नहा धोवा के रेडी होकर पूरा फ्रेश होकर आ गए छत पे। भाई साहब कपड़ा पूरा पूरा पसार दिए नीचे, चड्डी वड्डी जो भी है नहाने के बाद जो बनेगा चड्डी वगैरह का पूरा पसर गया नीचे, काफ़ी धूप है भाई साहब जम्मू कश्मीर में। और इसी तरीके का धूप रहा अगर ट्रैकिंग के दौरान, मतलब कि इस व्यू में, यहाँ हम लोग को जाना है ऊपर बूढ़ा, अगर इस व्यू में इसी तरीके का धूप रहा तो हालत ख़राब होने वाला है। खैर ऊपर तो धूप नहीं रहेगा, तो चलिए चलते हैं पहाड़ पे। और उससे पहले चलिए पहले चलते हैं खाने पीने, क्योंकि भाई साहब ऊपर से कुछ नहीं खाया, भूख पूरा लग रहा है। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब अभी आ गया अपना पिज्जा, ये देखिए फिर से डिलीवरी बॉय बन गया है। और खाने में आज मंगाए हम लोग पिज्जा। भाई साहब हर कोई खाना खाता, हम लोग जम्मू कश्मीर आकर भी पिज्जा खा रहे हैं, जाहिर सी बात है। चलिए रूम में चलते हैं, आपको खा के दिखाते हैं भाई साहब। तो भाई साहब अब बारी आ गई हमारी पर्ची करने की। आपको पता होगा कि वैष्णो माता के दर्शन में भाई साहब पर्ची कटते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं पर्ची कटाने, और सबका पर्ची जो है वो बारी बारी से कटेगा, मतलब मेरा अलग, क्रिश का अलग, मम्मी पापा सबका अलग। चलिए इस रास्ते में आगे है पर्ची वाला जो है वो काउंटर, और पर्ची कटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं भाई साहब। भाई साहब पर्ची कटाने के जाने में ही देख रहे हो कितनी चढ़ाई है, मतलब कि अब देखो पूरा चढ़ाई है एकदम स्लोप, और अभी से ही जो है वो सांस फूलने लगा है, पर्ची कटाने में ही सांस फूलने लगी है भाई साहब। तो माता के वैसा माता के दर्शन करने में कितना परेशानी होने वाला है जी सकते हो। और भाई साहब मम्मी पापा लोग तो नंगे पाँव आ रहे हैं, और ऊपर से नंगे पाँव में ये कंडीशन, ओ माय गॉड, पैर में हो जाएंगे पूरा छाले। तो ये भाई साहब काउंटर पूरा बड़ा सा, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आप कहीं भी काउंटर कटा सकते हो पर्ची। और अब पर्ची नहीं, अब आपका आईडी कार्ड वाला चलता है, जो अंकल लिए हुए हैं इसी तरीके का आईडी कार्ड चलता है। चलिए बनवाते हैं। तो भाई साहब ये है पर्ची, ऊपर चढ़ने का मतलब समझ सकते हो, तो पास कह सकते हैं इसको। पहले तो पर्ची रहता था, अब आईडी कार्ड रहता है, और इसको आप अपने गले में जो है वो आप पहन सकते हो भाई साहब, इसको आप अपने गले में पहन सकते हो। ये ऐसे करके डाल लो, एक सेकेंड आ रहा हूँ आ रहा। ये भाई साहब डल गया, ओह डल गया। और एक बात, वापस आते समय इसको आपको वापस करना है, तभी वैलिड होगा, नहीं तो आपको फिर फाइन लग जाएगा। तो भाई साहब पूरा पट्टी वट्टी बांध दिए, जय माता दी। और अब भाई साहब स्टार्ट होगा हमारा ट्रैकिंग ट्रिप करने का, और पीछे सारे भाई लोग, अपने मम्मी लोग, पापा लोग, सबको प्रेम से बोलो। और ये हम लोग पेड़ के नीचे छुपे हुए हैं, और ये सब देखिए जैसे बांध देता है सब कोई, पूरा खजाना हो रखा है इधर, और वहाँ पे वो लंगर चल रहा है, और भयंकर बारिश हो गई है यहाँ पे, बारिश में फंस गए। हेलो भाई साहब, बन गए सब कोई जादू, मम्मी छोड़ दी, पापा जादू बने हुए, जादू एवरीवन जादू, सब कोई रेनकोट में जादू बन के जा रहे हैं, कोई मिल गया वाला। और ये भाई साहब आप लोगों को चढ़नी है टॉपर,
अभी बारिश हो रहा है, इसका रेनकोट पूरा पहनना पड़ा। देखो सबको रेनकोट पहन लिया है, पापा मम्मी क्रिस मौसी सबको। तो ये देखो भाई अपन लोग जादू बन गया है पूरी तरीके से, ऑल फैमिली जादू बन चुके हैं, यानी कि हर कोई जो है रेनकोट पहन लिया है। देखिए क्रिस को भी लंबा है तो इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है पहनने में, और मम्मी लोग का भाई सब क्वालिटी वाला है रेनकोटवा, हम लोग का 50 वाला है, उन लोग का 100 वाला है बड़े लोग। ये भाई साहब एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग का जो वो पर्चा बना था ना आई कार्ड वाला, वो इधर चेक होगा। देखो पापा को लाठी ले लिया भाई साहब, और यहाँ पे जिग जैग वाला लाइन पूरा, और ये पॉइंट यहाँ पे अपना ये आई कार्ड शो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से शुरू होता है भाई साहब हमारा ट्रैकिंग। इधर तो खैर पूरा सेट किया हुआ है, तो बारिश पड़ने का कोई गुंजाइश नहीं बनेगा, मतलब पड़ेगा अभी तो हम लोग भींगेंगे नहीं, बट फिर भी रेनकोट इज मस्ट। बारिश देखो भाई साहब अल्टीमेट वाली हो रही है, और वो सामने क्रिश जा रहा है, देख रहे हो, देखो बारिश कितना भयानक हो रहा है, ये पूरा पहाड़ का पानी आ रहा है आपका, बारिश पूरा जोरदार भयानक हो रही है भाई साहब। देखो ओ भाई साहब, ये तो बाढ़ जैसा दृश्य आ रहा है ऊपर से, देख रहे हो, लग रहा है कि बाढ़ का पानी आ रहा हो इस तरीके से। और ऐसा पहली बार हो रहा है भाई साहब, बहुत बड़ा है वैष्णो देवी, लेकिन ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मुझे मिला। देखो देख रहे हो, ये पानी आ रहा है यहाँ से ऊपर का पहाड़ का, देखो भाई साहब कितना मूसलाधार बारिश हो रहा है, एकदम पूरा मूसलाधार, और पीछे का दृश्य, हालांकि रेनकोट तो पहने हुए हैं लेकिन बारिश ओवर है, पापा भी है पीछे देखिए, और ये देखो भाई साहब बारिश जबरदस्त हो रहा है, देखो छोटी सी बच्ची आ रही है भाई साहब भींग के बारिश में, और ऐसे ही रेनकोट में हम लोग को भी जाना है, अगर बारिश नहीं छूटेगा तो जाना ही जाना है भाई साहब। ये देखो जैसे ये लोग गए, खतरनाक बारिश हो रहा है वैष्णो देवी में, और हम लोग चल रहे हैं इसी रास्ते से, और ये देखिए भाई साहब पूरा जबरदस्त, देख रहे भाई साहब चढ़ाई, देखो चढ़ाई, और ये देखो भाई साहब ये चढ़ाई, देखो भाई साहब अभी 1 किलोमीटर भी हम लोग नहीं चढ़े हैं, और सांसें फूलना जो है वो शुरू हो चुका है, आपका भाई बुढ़ा गया है भाई साहब, देख रहे हो रेनकोट में जाना पड़ रहा है, जानते क्यों, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है, बहुत तगड़ा बारिश। ये देखिए क्रिस, ये पापा, बाकी मम्मी लोग आगे चले गए, और काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है भाई साहब, काफ़ी तगड़ी बारिश भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यार पूरा ऐसे, साला एक बार समझ नहीं आया कि जब पूरा रेनकोट पहने हुए थे भाई साहब, फिर भी मेरा शर्ट पूरा भींग चुका, देखिए स्कैम हो गया, स्कैम रेनकोट स्कैम, पूरा पहने हुए थे फिर भी पूरा भींग गया। और भाई साहब काफ़ी ऊपर भी चढ़ना है, अभी तो ये हम 10% भी नहीं चढ़े भाई साहब, अभी 10% भी नहीं चढ़े, और हालत भाई साहब खराब हो चुका है, लगा गया भाई ऊपर, देखो अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं,
वहीं से आ रहे ना क्रिश। और अब सीढ़ी लेनी है भाई साहब, थोड़ी शॉर्टकट मिल जाए। और सीढ़ी पे चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है यार। ये देखो भाई साहब सीन क्या सीन है। गिरे ये अब चल रहा है ऊपर। ओहो भाई साहब नीचे अभी हुआ ही है मेन गेट। हुआ मेन गेट हुआ कहाँ है? वो रहा गेट मेन दिखाओ। हो रहा कौन सा गेट है पता? मेन गेट जहाँ चेकिंग हुई थी। हाँ जहाँ पे चेकिंग हुआ था कैमरा वगैरह का। इस पर चढ़ गए अभी तो 10% आया भाई साहब, अभी 10 गुना और जाना है भाई साहब। हालत बुरा ख़राब हो चुका है। ये देखो कितना ऊपर आ गया, हम लोग सीढ़ी चूज कर लिए ताकि थोड़ा रास्ता शॉर्टकट हो जाए। और ये देखो वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये रहा मेन गेट। सीढ़ी पे चढ़ना थोड़ा टफ है बट डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। ओह ये भी थक गया, पापा भी थक गए, सब बैठे पड़े हैं। पता नहीं मम्मी लोग कहाँ हैं यार। रेलवे स्टेशन। ओह रेलवे स्टेशन, वो ज़्यादा ही लाइट है जो उधर जाकर। ओह देखो रेलवे स्टेशन भाई साहब। सीटी स्टेशन थोड़ा कष्ट है भाई, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। ओह पापा लोग हम लोग ये भाई साहब हम लोग आगे ऊपर अब इतना ये देखिए। और ये ना नीचे बुरा जम्मू सिटी। और यहाँ पे एक बीकानेर वाला का शॉप खुला भाई साहब, ओरिजिनल बीकानेर वाला है। आप लोग आएंगे तो आप लोग खा भी सकते हो। दिखाता हूँ अभी बीकानेर वाला, ये देखो भाई साहब बड़ा सा आउटलेट। आप लोग आओ कभी एंजॉय करो इसमें, हम तो नहीं करने वाले। जय माता दी, हालत खराब सबका। बोलो बारो बारो जय माता दी। तो फाइनली मम्मी लोग मिल गई है, और साला सबसे पीछे अभी भी हम ही है यार, है ना क्रिश? क्या क्रिश? मैं तो आपको कंपनी देने गई हूँ। क्रिश मेरे साथ इसलिए भी पीछे है, वरना ये आगे रहता भाई साहब। अरे व्यू लो भैया, अरे भाई लगता है आज एक ही दिन में पेट जो है वो कम हो जाएगा यार। क्या सही बोले ना? तो कम है मेरा के जाएगा इसे छोड़। और ये देखो भाई साहब व्यू, इधर ही से आ रहे हैं अभी हम लोग, नाइट व्यू। जय माता दी। सब लोग आगे चल गए, हम और क्रिश सबसे पीछे हैं क्योंकि भाई साहब तोंदा फेंक दिया इसलिए। चलो पकड़ते हैं, चल प्रेम से बोलो, कस के बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कोई नहीं बोलता भाई साहब, यहाँ कितने भी जय माता दी बोल लो कुछ नहीं बोलने वाले ये लोग। हम लोग बोल रहे बस। काफी ज्यादा थक गए, ओवर थक गए भाई साहब। देखो एक टाइम था जब हम लोग सबसे लास्ट में थे, लेकिन अभी देखो हम और क्रिश सबसे ऊपर है, बाकी लोग नीचे। मम्मी पापा मौसा मौसी रिया दीदी सब नीचे, सबसे आगे क्रिश, उसके बाद हम। चलो सब कोई, ये मौसी वो मम्मी, ये रहा क्रिश। क्या क्रिश पीछे हो गया यार फिर से? हाँ अभी सबसे आगे पापा चल रहे हैं। ये देखो व्यू,
कटरा भाई साहब, नाइट व्यू जबरदस्त। हम लोग अप्रॉक्स 7 किलोमीटर हाइट आ गए हैं और अभी 7 किलोमीटर और जाना है भाई साहब। यही खड़ाई खड़ी रास्तों में देखो कितना खड़ा है। अबोरा स्टेशन, और ये अभी हम लोग आ गए, अभी और चढ़नी है भाई साहब। और क्रिस कॉफी अकेले अकेले आपको भी चाहिए? मजाक कर रहा हूँ मैं। तो क्रिस भाई साहब कॉफी पे आ चुका है, नींद आने लगा इसको, चढ़ते चढ़ते तो कॉफी का मजा ले रहा है भाई साहब। यहाँ से टॉप भी आपको दिख रहा है कटरा का, पूरा जगमग जगमग लग रहा है कि दीपावली का दिया जल रहा हो यार। और हम लोग काफ़ी टॉप पे आ चुके हैं अभी, और अभी और टॉप जाना है यार, उधर को जाना है अपने को। और ये कुछ नज़ारा आ रहा है भाई, ये रास्ता चल जाता है डायरेक्ट मंदिर, और एक रास्ता इधर जाता है भवन का, मतलब कि अर्धकुमारी होके ये रास्ता जाता है, तो जिसको अर्धकुमारी जाता जाना रहता है वो इधर जाता है। और दोनों में डिफरेंस है भाई साहब 1 किलोमीटर का। अर्धकुमारी के दर्शन में क्या होता है ना कि लंबी लाइन लगी रहती है, तो भाई साहब नंबर लगाना पड़ जाता है, उसके बाद पूरा आप दर्शन करके आओ माता का, वैष्णो माता का, भैरव बाबा का। और अगर आपका नंबर आ गया तो अर्धकुमारी में घुसो, वरना फिर अपना रास्ता नीचे की ओर बढ़ा दो। आप लोग गौर करो, ये रास्ता आपको खाली दिख रहा होगा भाई साहब, देख रहे हो लोग आना जाना इस रोड में कम है, पता है क्यों? क्योंकि ये रास्ता अर्धकुमारी जाता है, और जो लोग अर्धकुमारी का दर्शन किए हुए रहते हैं ना, वो लोग ऑलमोस्ट लोग दोबारा नहीं करना चाहते हैं, वो लोग डायरेक्ट भवन का रास्ता अपनाते हैं, जो मैंने आपको पिछले कुछ मिनटों पहले बताया था कि वहाँ से दो रास्ता बटता है, एक रास्ता डायरेक्ट भवन और एक रास्ता अर्धकुमारी होके। तो हम लोग अर्धकुमारी की ओर बढ़े हैं, इसलिए ये रास्ता खाली है। क्योंकि अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कहाँ, अर्धकुमारी। और ये देखिए भाई साहब जबरदस्त सीन, हम और क्रिस हर बार की तरह इस बार भी सबसे पीछे हैं, और अभी कुछ देर में अर्धकुमारी पहुंचने वाले भाई साहब। जलवा है हमारा पीछे रहने का, पीछे रहो और हरियाली देखो। और सारे लोग आगे गए हैं, हम और क्रिस सबसे पीछे है भाई साहब, और अभी अर्धकुमारी आएगा, उसके बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। देखो भाई साहब अर्धकुमार का सीन है भाई साहब, ये अर्धकुमारी सारे जितने लोग हैं सारे वेटिंग में बैठे हुए हैं गुफा में जाने के लिए। और नंबर देखो 440 चल रहा है अभी, और जितने लोग कोई वेट करते करते सो रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं। अर्धकुमारी का एरिया, और भाई साहब देखो यहाँ पे पूरा खाने पीने का व्यवस्था है, मैकडोनल्ड्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखो बीकानेर वाला हर ब्रांड आपको मिल जाएगा अर्धकुमारी पे। साहब ये देखिए अर्धकुमारी का व्यू आपको दिख रहा है, पूरा भीड़ पूरा, सभी लोग अपने अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। फिलहाल नंबर चल रहा है 440, और हम लोगों ने नंबर कटाया जिसका नंबर है 619। और ये देखिए अंदर का व्यू है भाई साहब, ये गुफा अंदर में ऐसी रहता है। और ये हमारे सारे मेंबर लोग, पापा मम्मी मौसा मौसी रिया दीदी आई कृष्णा, मुझे तो आप जानते ही हो। तो गाइस अभी हम लोग सोए हुए हैं, ये देखिए क्रिस को मुंडी घुसा हुआ है कंबल में, कंबल सोनल मांगड़ा उखड़े में मुंडी घुसा लिया भाई साहब, सही दूसरा कंबल है। और बाकी अपना पवेलियन सारा उधर है, देखिए पवेलियन, हाँ अपना सारा पवेलियन उधर है, मम्मी मौसी मौसा रिया लोग सब लोग करने रहे, दिख नहीं रहा का मुंडी रे। अर्धकुमारी गुफा में जाने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए लोहड़ गए हैं सब लोग। एक्चुअली वो बात नहीं है, रात हो गया ना, तो रात में चलना भी थोड़ा ठीक नहीं रहता है, पूरा रात भर जगना पड़ जाता है, इधर सोचे चलो रेस्ट कर लेते हैं 2-3 घंटा, उसके बाद बोर्ड में स्टार्ट करेंगे चलना 8-9 बजे तक दर्शन, उसके बाद आते आते अगर अर्धकुमारी का नंबर लग गया तो बस अर्धकुमारी का दर्शन कर लेना, अगर नहीं लगा तो फिर भाई सब कटरा की ओर चल देना, फिर कटरा से जम्मू और फिर जम्मू से दिल्ली।
तब यहाँ वैष्णो देवी में काफी खतरनाक बारिश हो रहा, देख सकते हो आप, खतरनाक वाली बारिश जिसको कहते हैं। पूरा मूड खराब, पूरा ट्रिप खराब, हर चीज खराब हो चुका है भाई साहब हम लोग का। और बारिश की वजह से हम लोग फंसे हुए हैं अर्धकुमारी में ही लगभग 6 घंटा से, 6 घंटा से लगातार बारिश हो रहा है अर्धकुमारी में और हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, रात के बज रहे हैं 1, बारिश हो रहा है भाई साहब यहाँ अर्धकुमारी में। देखिए जुगाड़ देखिए हम लोग का। और उधर देखिए सारे लोग बारिश से बचने के लिए हम लोग अलग स्टाइल में है भाई। VIP कोटा में ये देखिए। अब 10 बजे का पहले नहीं मिलेगा, मिल रहा है। अब रात के 1:30 बज रहे 1:30 और देखो बारिश, मूसलाधार बारिश, अर्धकुमारी में फंस गए भाई साहब आके, जबरदस्त बारिश हो रही है। लो भाई और तेज हो गई बारिश। वो देखो भाई साहब अपना जुगाड़, वो अपना जुगाड़ है, अपने फैमिली लोग का जुगाड़ है भाई साहब, पानी से बचने का जुगाड़। रात के 2 बज रहे भाई साहब, 2 बजे ना, हाँ 2 बजे भाई साहब हो रही हम लोग की यात्रा। बारिश जबरदस्त हो रहा है यार, सब कोई रेनकोट पहन के जा रहे हैं, देखिए क्रिस को और पीछे जितने लोग हैं सब रेनकोट पहने हुए हैं, देखिए कैमरा में देखिए। Everyone wear raincoats and look like an alien. तो चलिए आगे चलते और देखते आगे क्या सीन होता है कुछ। भाई साहब लाठी लेके चलना पड़ रहा है, और कभी कभी तो क्रिस धक्का भी दे रहा है मेरे को। 5 किलोमीटर का और ट्रैक बचा हुआ है, अभी बोर्ड में लिखा हुआ मैंने पढ़ा। इस बार भी हम लोग सबसे पीछे, देखिए मेरे आगे कितने लोग हैं, मेरे सारे फैमिली के लोग हैं लेकिन हम लोग सबसे पीछे। ये देखिए क्रिस मुझे धक्का दे रहा है गाइस। तो भाई साहब दिन के बज रहे हैं 3:30, मतलब कि भोर के 3:30 बज रहे हैं और लोग अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब। अप्रोक्स 12 आवर्स होने वाला है लेकिन अभी तक जो है वो पहुंचे नहीं हम लोग भवन में। अप्रोक्स 12 आवर होने वाला है क्योंकि रेस्ट मार मार के कुछ चल रहा है, कभी किसी का पैर दर्द, कभी किसी का हाथ दर्द। और भाई साहब रास्ता देखिए पूरा चढ़ाई वाला है पूरा। अरे यार अभी एक और चढ़ाई है यार, काफ़ी पैर दर्द हो गया है। देखो भाई ये चढ़ाई आपको दिख रहा होगा और अभी वो वाला चढ़ाई देखो भाई साहब, ये ऐसे रास्ता गया है और वो चढ़ाई भाई साहब वो वाली, वो पूरा ऊपर और ये ऐसे आया और ये इसमें। तो भाई काफ़ी तगड़ा तगड़ा चढ़ाई है इसलिए थोड़ा पैर दर्द करने लगता है। बोलो यार अब नींद आने लगा क्या क्रेस, आँख पूरा एकदम खुल नहीं पा रहा यार मेरा, क्या किसी का नहीं खुल पा रहा है। पूरा रात चले हैं और अब लगभग 4:00 बजने वाले हैं और अभी तक नहीं पहुँचे भाई साहब, और नींद भी बहुत तगड़ा बना रहा है। वो देखिए आगे सब कोई जा रहे हैं, मम्मी पापा सब कोई। ये देखो भाई अभी एक ट्रैक पूरा पार किए थे फिर से आ गया,
ये देखो ये वाला ट्रैक सब सेम ट्रैक बारी बारी जा रहा है। वहाँ पे जाते हैं तो लगता है कि लास्ट है, लेकिन वहाँ पे जब जाएगा ना तो एक और सेम ऐसा आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा ऐसा। काफ़ी कठिनाई चढ़ाई है भाई साहब वैष्णो देवी का, और ये नया रूट बना है ना, इसका चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है भाई साहब, और नींद ऊपर से तगड़ा वाला आ रहा है भाई। लो भाई साहब एक और ट्रैकिंग के बाद एक और ट्रैकिंग उस साइड। भाई साहब बार बार लग रहा है कि लास्ट ट्रैक, लेकिन नहीं, उस साइड देखते हैं तो एक और ट्रैक और आता है। देखिए उस साइड शायद ये लास्ट ट्रैक हो, चलिए उसको भी चल के देखते हैं। देखो यहाँ पे आए हम लोग नीचे से पूरा चढ़ के, तो वो देखो भाई साहब स्कैम वाला बात इसको बोलते हैं। एक और मिल गया भाई साहब, वहाँ पे हम लोग को जाना है और फिर वहाँ से ऊपर वहाँ पे और फिर उसके ऊपर वहाँ पे। सबसे कठिन रास्ता जो है भाई साहब लास्ट का रास्ता स्टार्ट हो चुका है, जो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर का रास्ता था, सबसे कठिन रास्ता एकदम 70 से 80 डिग्री खड़ा वाला रास्ता भाई साहब। देखिए देखिए पूरा ये रास्ता, पूरा ये जो खड़ा रास्ता आप देख रहे हैं ये वाला पूरा वहाँ से खड़ा है, फिर उसके बाद ये खड़ा, उसके बाद ये लास्ट में खड़ा। भाई साहब काफ़ी स्लोप ज़्यादा है भाई साहब, पूरा थक चुके हैं यार। देखो भाई पूरी खड़ी चढ़ाई है यार, इससे भी खड़ी चढ़ाई वो वाली है। और भाई साहब पूरा लस्सी पी रहा है, थोड़ा कैल्शियम वगैरह एनर्जी वगैरह मिलेगा यार, क्योंकि भाई कुछ एनर्जी नहीं बचा यार, कुछ एनर्जी नहीं। अभी भाई साहब यहाँ आए हैं, अभी जाना है ऊपर भाई साहब यहाँ पे, हालत खराब है यार। तो फाइनली गाइस पहुँच ही गए, मतलब पहुँचे नहीं है, मतलब दिखना शुरू हो चुका है माता का भवन जिसको कहते हैं। दिखाऊँ आपको कहाँ है भवन, एक सेकंड दिखाता हूँ। वो देखो भाई साहब वो है आपका भवन, अभी हम लोग इस रास्ते से वहाँ पे जाना है भाई साहब, तो चले चलते हैं। भाई साहब पहुँच गए हैं हम लोग, ये रहा भवन और ये देखो ऊपर क्या है मौसम, मौसम पूरा काला काला हो रखा है, पूरा मौसम बारिश वाला, और ये हमारा भवन। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं हम लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर के पास, और अब मोबाइल जो वो लॉकर में चला जाएगा तो वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे नहाए धोया जाएगा भाई साहब पूरा एकदम चिल्ड वाटर से, फिर इसको तो भाई अभी से ही कम कप्पी धर रही है। उसके बाद फिर दर्शन करेंगे, दर्शन का वीडियो अलाउ नहीं है। ये भाई साहब सीन देखो, और ये भाई साहब रोप हुए भैरव बाबा के पास जाने के लिए रोप हुए, इसका भी वीडियो आएगा भाई साहब। लाइन देखो भाई साहब कितनी बड़ी लाइन है, देखो बादल आ गए, बादल से ऊपर है हम लोग, ये देखो बादल के ऊपर है, बादल नीचे चल रहा है, वो तो बादल भी नीचे चल रहा है, ये पैदल जाने का रास्ता है।
गाइस फाइनली दर्शन वर्शन सब हो गया, खाना पीना सब हो गया। आपको पता है कि दर्शन में फोन यूज है जो नहीं किया जाता, लॉकर में बंद कर दिया जाता है, इस कारण ब्लॉग जो है वो थोड़ा यहाँ पे रुक गया था। तो फाइनली अच्छी तरीके से दर्शन हो गया, खाए भी लिए, पिए भी लिए, सब चीज़ कर दी भाई साहब, मैडम बाबा के पास भी चले गए, सब हो गया भाई साहब। तो भाई साहब जाते टाइम भी बारिश हो रहा था और आते टाइम भी बारिश हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ना हार्ड है, उतरना भी हार्ड है भाई साहब। उतरने में भी टाइम लग जाता है क्योंकि पैर पूरा दर्द रहता है ना, उतरने में भी पैर वैर पूरा दर्द करता है। बाकी सारे लोग, क्रेश दीदी, मौसा मौसी, पापा मम्मी सब आगे गए हुए हैं और उतरने वक्त भी हम दोनों भाई साहब पीछे ही है। चढ़ने वक्त पीछे तो थे ही, उतरने वक्त भी पीछे ही है और बाकी सब लोग आगे हैं। आजा देखो भाई साहब, यहाँ पापा मम्मी दोनों मिल गए, क्या कर रहे हैं दिखाते हैं। ये क्या कर रही है मम्मी? ओ भाई साहब, यहाँ तो सबको ही किया हुआ है, पत्थर पे पत्थर रखा गया है देखिए, और आगे भी आंटी लोग जो है वो कर रही हैं, भैया लोग जो है वो कर रहे हैं, मौसा कर रहे हैं, सॉरी। पत्थर पे पत्थर रखने से होता क्या है भाई? तो भैया ही है, मैं भी बनाता हूँ। ये मेरा आर्ट रहेगा भाई साहब, एकदम जबरदस्त वाला, गिरेगा नहीं भाई साहब। यो भाई साहब, ये बना दिया मैंने भाई साहब, इस पे एक और डाल देते भाई साहब, यो गिर गया भाई साहब। हाँ ये देखो गर्दिश, पूरा फॉग रास्ता में हो गया है, देखिए भाई साहब नीचे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं और ये पूरा रास्ता में भी पूरा फॉग फॉग, देखो फॉग हर जगह फॉग। हाँ पत्थर वत्थर गिरता है तो डर नहीं लगता तेरे को? मेरे पूरा चटनी बन गया यार, पत्थर गिर गया इसका करकट का पूरा चटनी बन गया। भाई साहब अभी हुआ ये कि लैंडस्लाइड जैसा माहौल बन गया, पूरा भीड़ पूरा भगदड़ जैसा माहौल, और जब ऐसा होता ना तो पूरा डर लगता है यार, पूरा फैमिली के साथ आओ और ये सब हादसा होने लगे, लैंडस्लाइड वगैरह पत्थर गिरने वगैरह का। तो इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को